मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के जीवन बाग में एक दिल दहला देने वाली खूनी वारदात सामने आई है। 9 मई की रात फिरोज शेख नामक व्यक्ति जो पेंटिंग का काम करता है, ये अपने काम के पैसे 300 रुपये फैसल शेख से मांगने गया था, मगर फैसल शेख ने पैसे देने के बजाय लोहे के रॉड से फिरोज शेख पर जानलेवा हमला कर दिया। करीब 10 से 11 बार रॉड से फैसल ने फिरोज के सिर पर वार किया। इस दौरान फिरोज ने भी अपने बचाव में डंडा उठा लिया, मगर मौके पर पहुंचे लोगों ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। सिर पर रॉड लगने की वजह से काफ़ी खून बह रहा था और उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिरोज शेख के सिर में कई टाके भी आए हैं। वहीं परिवार वालों ने बताया है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने सिर्फ एनसी ली थी, जबकि FIR दर्ज होना चाहिए। इस पूरे मामले पर फिरोज के दोस्त सुल्तान और फिरोज शेख ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। नहीं, आखिर जो आप फैसल बता रहे हैं, फैसल से और इनसे जी और किस मुद्दे को लेकर जो इनका विवाद शुरू हुआ था, आखिर क्या वजह थी? वजह सर ये थी कि एक 300 रुपए की बात थी। वो 300 रुपए को लेके कैसे कि इनको फोन करे थे, इन्होंने उनको फोन करे थे, तो उन्होंने मतलब कैसे कि फोन पे इनकी तुतु मैमे हो गई, एक तरीके से देखने जाएंगे तो धमकी हो गई। 300 रुपए इनका बाकी था क्या? पैसा इनका बाकी था, ये उनसे लेने के थे, इनके पास काम करे हुए थे, तो बोले तू रोजा खोल के हमें मिलना, बोले मैं तेको बताऊंगा। तो रोजा खोल के जब ये भाई आए तो इनके हाथ में कुछ नहीं था, और उनका ऐसा कहना है कि ये रॉड लाए थे, कब ये रॉड लाए थे, तो इनको भी लगा, सामने वाले को जरा भी सर पे कुछ नहीं हुआ। आप इनकी पीठ देख सकते हैं, आप इनकी पीठ पे पूरे निशान है रॉड के, बाकायदा सर पे। खाली में 5 मिनट और लेट हो जाता ना सर, तो आज यहाँ पे खड़े नहीं होते। टाके वगैरह लगे हैं क्या इनके? इनको अभी आए हैं टोटल 14 टाके। 14 टाके में 324 अपना 324 कौन से हिसाब से बनाया गया सर? ये मेरे भाई को इतना लगा कि आज इनसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है। तो अभी क्या बोले पुलिस स्टेशन आप आए? अभी तो क्या हम बोला ये इसके लिए यहाँ पे आए हैं कि कोई झड़प नहीं हुई है यहाँ पे, बाकायदा ज़्यादा सर पे लगा है। तो आपने क्या हिसाब से FIR ली? एनसी जो भी है, एनसी हमको जब एनसी पेपर हमारे हाथ में आया तो उसके ऊपर लिखा था 504 धमकी का और नहीं आता है तो फाइन करा के 324। और हमको कैसा मराठी पढ़ने सर जो ये लिख के दिए, हमको पढ़ने आता नहीं है। अब अपने गली में जाके पढ़ा है तो मालूम पड़ा कि 324 बना, तो 324 झड़प में बनती है, हालांकि 13 टाकों पे नहीं बनती है। थोड़े बहुत कैसे कायदे कानून हम भी जानते सर। तो अभी क्या आप लोग दोबारा आए थे? अभी हम लोग रिटर्न चौक क्या कहा गया तो यहाँ पे हमारे को बड़े साहब ने ये कहा गया है कि अभी हमने खाली ये बना के आपको दिए, इसकी कार्रवाई जो हमारे बड़े साहब है वो करेंगे, उसके बाद बड़े ये कलम कौन? इनके कोई बड़े साहब है, हमारे को नाम तो नहीं बताए, तो इनके जो बड़े साहब है वो कार्रवाई करके इनके ऊपर आगे जो भी है कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरा एक काम का पैसा था, मैं काम करता था इसके पास, इसके घर पे काम किया था मैंने। इसको बोला भाई मेरा पंखा नहीं है, बोले सर मैं तो पंखा दिला देता, पंखा दिला दिया। पंखा दिलाने के बाद मेरे को उसका काम नहीं करने का, तो मेरे को फ़ोन किया सुबह में, लेकिन तो काम पे आ रहे थे, बोला नहीं आ रहा भाई मैं, तो मेरे को इसने गाली गलौज देना चालू किया। भाई तुम रोजे के बाद मिल तो मैं बताता हूँ, बोले आखिर में रोजे के बाद मैं इफ्तारी करके जैसे नीचे उतरा थोड़ी देर बैठा बाइक पे, कि सामने से आके मेरे को रोड से मारने लगा। क्या नाम है उनका जिसने मारा आपको? फैसल। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।